कढ़ी जब हम बनाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या रखनी चाहिए, कितना पानी डालें, लस्सी कितनी पतली होनी चाहिए कि कढ़ी जो है वो मुनासिब टाइम में पक जाए, वरना ये होता है कि कढ़ी इतनी पतली हो जाती है कि बस उसको अब गाढ़ा होने के लिए हमें उसको पकाना पड़ रहा होता है काफ़ी देर, और समझ नहीं आती कि कितना पानी डालना था। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने कढ़ी को एक उबाल आने देना है, ठीक है। लस्सी में आप बेसन मिक्स करके डाल देंगे और उसको उबाल आने देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें कितना पानी डालना है, ठीक है। अच्छा जी, अब समटाइम्स होता है कि उबाल आया तो कढ़ी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है कि इवन उबाल भी सही से नहीं आ रहा, तो इसका तो डेफिनेट मतलब है कि पानी जो है वो बहुत ही कम डाला है आपने। अच्छा, अब उसमें ये नहीं कि अब आप जग भर के और पानी डाल दें, आप उस वक्त क्या करेंगे, 2 ग्लास पानी डाल देंगे और उसको फिर से उबाल आने देंगे। अच्छा ये देखें, ठीक है, अब इस कढ़ी को उबाल आ चुका है और अगर आप देखें तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ना गाढ़ी लग रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कि कढ़ी जब पक गई होती है ना तो उसके करीब करीब इसकी कंसिस्टेंसी होती है, जबकि ये पहला उबाल आया। तो अब इससे मुझे आइडिया हो गया कि इसमें थोड़ा सा पानी मुझे और डालना है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें 1 ग्लास पानी और डाल दूंगी, ठीक है, 1 ग्लास ही डालूंगी, उससे ज़्यादा नहीं डालूंगी, और क्योंकि बहुत ही फ़ौरन से इसकी ना कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि हैं ये क्या हो गया, अभी तो इतनी गाढ़ी थी अब इतनी पतली कैसे हो गई। तो अभी ये देखिए, मैंने आपके सामने 1 ग्लास डाला है ना, और अब देखें ये उबाल आया उसके बाद, और अब ये देखें कैसी पतली हो गई है, ठीक है, पहले से इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन हो गई है 1 ग्लास डालने से। और अगर ना होती, अभी भी मुझे गाढ़ी लग रही होती, तो फिर मैं 1 ग्लास और डाल देती या आधा ग्लास और डाल देती। तो ये सिर्फ आपने शुरू में कढ़ी का जो उबाल पहला आ जाए तो उस तब देखने वाली चीज़ें हैं कि उस टाइम पे आपको इस सेटिंग को करना है। अब ये इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है बिल्कुल, अब आराम से ये 45 मिनट पकती रहेगी हल्की आँच पे और फिर मज़े की कढ़ी रेडी हो जाएगी। और ये देखें पकने के बाद ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, मतलब ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी भी नहीं अच्छी लग रही होती। तो ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी, अब मज़े से इंजॉय करें, आए हाय हाय, खूब ज़्यादा ज़्यादा कढ़ी चावलों में डाल खा लें या चम्मच से खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है और मेरी तो बहुत बहुत फेवरेट है। चलें जब आप जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, नए की आवाज़ ज़रूर कमेंट में सब लिखेंगे यस 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 यस, जिनको कढ़ी बहुत पसंद है मेरी तरह, आह हरी मिर्च क्या बात है। चलें जी, कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।